आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि भारत की स्वतंत्रता, इसलिए इसको पूरा सुनने की आवश्यकता है, इसके कानूनी पहलुओं को जानने की आवश्यकता है, इस पर जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको क्लेरिफाई करने की आवश्यकता है। दूसरा विषय, इस समय कोरोना के समय पर जो मैंने कल का एक लेक्चर आपको दिया था, डाला था, वो कल के लेक्चर में योगी जी उस पर मुझे लगता है कि अच्छा काम कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो माइनॉरिटी का है, अगर इसमें समय मिला तो माइनॉरिटी स्टेटस वर्ल्ड वाइड और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और भारत सरकार के कृत्य, कौन माइनॉरिटी है कौन नहीं है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। चौथा विषय ये है कि अपने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऐप डाउनलोड करते हैं और वो लेक्चर्स को बोरो कर लेते हैं, बोरो करने के बाद उनको कुछ महसूस होता है कि नहीं, हम तो हिंदी मीडियम के थे और मुझे तो इंग्लिश वाला ले लिया, या इंग्लिश मीडियम के हैं हमने हिंदी वाले ले लिया। देखिए, इसको पहले देख लीजिए, उसमें बहुत सारे लिस्टिंग पड़ी हुई है। हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला हिंदी के लिए है, नॉर्थ इंडियंस जो हिंदी के हैं उनके लिए, साउथ इंडिया में हिंदी जानता भले ही हो लेकिन उसको मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश और उसके नीचे, आंध्र तक तो हिंदी जानते हैं लोग, उसके नीचे जब हम चलना शुरू करते हैं तो वो हिंदी बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इंग्लिश की प्योर आवश्यकता रहती है। ये एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, इंग्लिश का लेक्चर का मतलब प्योर इंग्लिश है, उसमें हिंदी शब्द शायद ही इस्तेमाल किया हो, वो पूरा 3 घंटे का अगर लेक्चर रहता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, तो वो इंग्लिश में ही रहता है। चौथा विषय यह है कि जब आप डाउनलोड करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिलेबस की एज 1 साल है। 1 साल जब पीसीजे का सिलेबस लेते हैं, मतलब जुडिशरी का सिलेबस लेते हैं या एडजस्ट हायर जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस लेते हैं, तो 1 साल का उसका टाइम है और एक एक लेक्चर की मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी 4 4 घंटे है, इरिस्पेक्टिव वो 3 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन उसकी टोटल वैलिडिटी 4 घंटे की है। 4 घंटे देख सकते हैं, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जैसे भी है। इन दोनों में से जो पहले आ जाए, 1 साल पहले आ जाए या 4 घंटे पहले हो जाए, वो ब्लॉक हो जाता है। खैर, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि तमिलनाडु में एक कल बड़ी सूचना आई। रमजान का ऐसा कहते हैं कि रमजान का बड़ा पवित्र महीना होता है, मदद करनी चाहिए, मस्जिदों की मदद होनी चाहिए, कोई समस्या भारत में किसी को नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दिस। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि इसमें थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे क्योंकि तमिलनाडु का ये प्रकरण है और तमिलनाडु में हिंदी समझने वाले थोड़े कम लोग हैं, वो इंग्लिश आसानी से समझते हैं, दैट इज वाई वी विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो इन दिस लेक्चर। वॉट हैपन्स एक्चुअली, यस्टरडे इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम द तमिलनाडु थ्रू ए मैगजीन दैट इज एन वॉइस ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजर, भारत की आवाज ऑर्गेनाइजर, जिसको हिंदी उसका वर्जन पांचजन्य के नाम से निकलता है, उसमें जजिया टैक्स इन जम्मू इन 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 तमिलनाडु की चर्चा हुई। सो व्हाट इज जजिया एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तमिलनाडु में एक कानून 1959 में बना, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। अब 1959 में वो बना, लेकिन उसमें जो प्रावधान दिए गए वो ये कहा गया पूरे एक्ट में, हम उस एक्ट के कुछ सेक्शंस आपको कोड अगर कर दें तो अच्छा होगा, सेक्शन 5 उसका, अगर वो एक्ट उठाकर देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, सेक्शन 5 उसका देखेंगे या सेक्शन 92 जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 92 देखेंगे, सेक्शन 103 उसका देखेंगे, तो ये बड़े गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है वो, ये एक्ट ये कह रहा है और कहना भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड इस तरह से है कि जो भारतवर्ष में मंदिर हैं, हम सब जानते हैं मंदिरों का मिसमैनेजमेंट खूब चलता है भारत में, और वो मिसमैनेजमेंट इस लेवल का होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं तो हमको अव्यवस्था देखकर बड़ा कष्ट होता है। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 25 में की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हम व्यवस्थाएं सही करेंगे, पर हिंदुओं के लिए या जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए हम सही करेंगे।
व्यवस्था सही करने के नाम पर बहुत सारे स्टेटों ने अपने यहां कानून पास किए, किसी ने ट्रस्ट एक्ट में रखा, किसी ने रिलीजियस एंडोमेंट बनाकर रखा, किसी ने रिलीजियस एंडोमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट बनाकर रखा, किसी ने एक्ट बनाकर रखा, किसी ने बोर्ड एक्ट बनाकर रखा, अलग अलग राज्यों ने उसके अलग अलग नाम दिए, कोई समस्या नहीं थी। और उसमें मोस्टली ने ये कहा कि भाई जो मिसमैनेजमेंट है मंदिरों का, वहां एक ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट उसको चलाएगी, ट्रस्ट का ऑडिट सरकार करेगी, यानी कि सरकार के कानून के अनुसार ही ये ट्रस्ट चलाए जाएंगे, इन ट्रस्टों में काम होगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं, अच्छा ही है कि ट्रस्ट बनाया जाए, पब्लिक सेफ्टी के लिए काम किया जाए, मॉरलिटी के लिए काम किया जाए, देश में हेल्थ डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तमिलनाडु ने अभी जो एक दो दिन पहले ऑर्डर किया कोविड 19 के समय पर, उन्होंने यह कहा कि नाउ एवरी 47 टेम्पल्स, द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ 47 ग्रेट टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु हैव टू पे 10 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कोविड। कुछ को उन्होंने कहा कि आप 35 लाख रुपए दीजिए, कुछ से कहा 15 से 35 लाख रुपए दीजिए, ऐसे 36,000 छोटे बड़े टेम्पल हैं तमिलनाडु में। तो मोस्टली जिनके पास धन है उसको कहा गया कि आप कोविड 19 में उसको दीजिए, इसमें भी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इसमें है कि रमजान के महीने में ये जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट से पैसा लिया गया, केवल हिंदू टेम्पलों से जो पैसा लिया गया, यह पैसा रमजान के समय पर मस्जिदों को वापस किया गया फॉर द सेक ऑफ पुअर पीपल्स इन द मस्जिद। तो ऐसी 3,000 मस्जिदें कवर की गई जिनमें बहुत बड़े उसमें चावल दिया गया, धन दिया गया, और रमजान के महीने में खाने पीने की व्यवस्था की गई। ये कैसा कानून है, ये कैसा संविधान है, संविधान में कैसे प्रावधान है, इस पर हम लोग ग्रेट डिस्कशन करेंगे। पीछे एक बहुत तेजी से वायरल आर्टिकल 30 कैपिटल ए हुआ, हालांकि मुझे उस 30 कैपिटल ए की जानकारी नहीं है, क्योंकि संविधान में हमने खोजने की कोशिश की तो हमको आर्टिकल 30 कैपिटल ए नहीं मिला। हो भी सकता है कि वो हो, क्योंकि जब हम आर्टिकल 35 कैपिटल ए जम्मू कश्मीर को लेकर आए थे, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास हुआ था, वो भी संविधान में नहीं लिखा था, और वो नेहरू जी ने 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास किया था जिसने पूरे जम्मू कश्मीर का बंटा ढार करके रखा था, पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया था आर्टिकल 35 कैपिटल ए ने। हमको वो आज से 12 साल पहले मिला, हमने ऐसी ही कुछ लेक्चर्स दिए, फिर हमने उस पर आंदोलन शुरू किया, देश भर में उस पर अवेयरनेस किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनें डलवाई, बहुत काम किया, और फाइनली 5 अगस्त सन 2019 को केंद्र सरकार ने उसको एब्रोगेट कर दिया। तो हो सकता है कि आर्टिकल 30 कैपिटल ऐसे ही किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उस समय सरकारों ने पास करके बना दिया गया हो, लेकिन इससे रिलेटेड अपने 2-3 आर्टिकल हैं जिन आर्टिकल्स को हम यहां कंसिडर करना चाहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई भी कानून जो भारत में बनेगा वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन से परे नहीं हो सकता, इसलिए हम हर एक एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखते हैं। ऐसा कोई भी कानून नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हो या उनका वायलेशन कर रहा हो। अगर कर रहा होगा तो जिस दिन वो बना उस दिन से शून्य है, और अगर पहले से बना रखा था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पास होने की तिथि से शून्य है, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। आई एम नॉट गिविंग यू सो लीगल थिंग्स, वाई, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नॉट एन एडवोकेट, दैट इज वाई आई एम नॉट गिविंग यू द सो लीगल इंटेलिजेंस, बट I am considering the main provisions of the constitution. So article 13 is saying like this, that any act that is against the fundamental rights will be void from the day of passing of this constitution, and if it passed after passing of this constitution, then that will be void of an issue. No problem. Now the Tamil Nadu Act passed in 1959, so it come in the category 2 of the constitution, that whenever it will be passed it will be void of an issue. What happened actually in this case, Tamil Nadu jo religious and charitable endowment act banaya unhone,
हिंदू, मैं बार बार भूल जाता हूं, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट, ऐसा कोई मुस्लिम रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट नहीं है, ऐसा कोई सेकुलर एक्ट नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की बात कही गई है, प्रीम्बल में सेकुलरिज्म की बात कही गई है। तो हिंदू टेम्पल्स के ऊपर रेगुलेशन का ये कानून बना तो ये सेकुलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ चला जाता है कि आप हिंदू मंदिर रेगुलेट करेंगे लेकिन आप चर्च रेगुलेट नहीं करेंगे, आप हिंदू मंदिर रेगुलेट करेंगे लेकिन आप मस्जिदें रेगुलेट नहीं करेंगे, मदरसे रेगुलेट नहीं करेंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ लॉ दिस इज? इट इज बेसिकली अगेंस्ट द सेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अगेंस्ट द सेकुलरिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन थिंग। लेकिन आपने पास कर लिया हिंदू रिलीजियस एंड इंडोवेंट एक्ट, उसके सेक्शन 92 में कहा, मैं सेक्शन 92 की पृष्ठभूमि पहले बता दूं कि जो अपनी ट्रस्टें होती हैं ना, उन ट्रस्टों में एक प्रावधान ट्रस्ट एक्ट में है कि इन केस ऑफ एनी पब्लिक ट्रस्ट देर इज एनी प्रॉब्लम एंड वी वॉन्ट टू रिजॉल्व इट, देन द पार्टीज हैज टू अप्रोच टू द कोर्ट एंड आफ्टर गिविंग द नोटिस टू द कोर्ट एंड एंड आर्ग्यूइंग टू द कोर्ट, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन यू मे चेंज द थिंग्स इन द ट्रस्ट, अदरवाइज जो ट्रस्ट बनी थी, जो ट्रस्टियों ने बनाई थी, वो ट्रस्ट आपको माननी पड़ेगी और उसी से आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। ट्रस्टीज उससे बाध्य होते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं, इस ट्रस्ट में मैंने तो पानी पिलाने के लिए ट्रस्ट बनाई गई लेकिन अब हमको खाना भी खिलाना चाहिए, तो आप खिला सकते हैं, बट यू हैव टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। इफ यू वॉन्ट टू इनिशिएट सम अदर थिंग्स दोज आर नॉट मेंशन इन द ट्रस्ट एक्ट, देन यू मस्ट हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल गिव यू द पावर्स एंड कोर्ट विल वेरीफाई योर बोनाफाइड नीड्स एंड देन विल दे विल गिव यू द परमिशन। समटाइम्स दे मे अपॉइंट दे मे अपॉइंट द ट्रस्टीज ऑल्सो, दे कैन चेंज द ट्रस्टीज ऑल्सो, दे कैन चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट ऑल्सो, दे कैन चेंज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रस्ट ऑल्सो, समटाइम्स दे कैन अपॉइंट द रिसीवर ऑल्सो। ये सारी पावर कोर्ट के पास है, लेकिन कोर्ट इस पर डिसीजन लेने से पहले एक बड़ा आर्गुमेंट होता है, कानूनों का हवाला दिया जाता है, परिस्थितियों को देखा जाता है, उसके बाद कोर्ट को लगता है, देन दे गिव द परमिशन। लेकिन इस एक्ट के सेक्शन 92 में कहा कि इस एक्ट के किसी भी प्राविधान को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मीन जो ट्रस्ट एक्ट में कोर्ट में अप्रोच करने की बात है, इस एक्ट के तहत, ट्रस्ट एक्ट के तहत आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। ये ऐसा एंडोमेंट एक्ट बनाया गया, यानी कि सरकार का जो बोर्ड कमिश्नर है, जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट का ट्रस्ट कमिश्नर है, जो ये सब कुछ मैनेज करेगा, जो इसको लुक आफ्टर करेगा, उसके डिसीजन को कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। और सेक्शन 93 ये कहता है कि इस कोर्ट की जितनी पावर्स हैं वो हम ये रिलीजियस एंड चैरिटेबल कमिश्नर को देते हैं, बोर्ड को देते हैं, यानी कि बोर्ड अब कोर्ट हो जाएगा। और बोर्ड कोर्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसा कोर्ट होगा। बोर्ड ऐसा कोर्ट होगा कि सरकार की बात सरकार जैसा कहेगी वैसा मानेंगे। अब सरकार ने ये ऑर्डर तो कर दिया कि भाई और करोड़ों रुपया कोविड-19 के नाम से, और कोविड-19 के नाम से ही मस्जिदों में इसको दान भी कर दिया। अब वो कहें भले ही कि हमने ये पैसा तो सीएम रिलीफ फंड में इस तरह से लिया था, या चैरिटेबल एक्ट के तहत हमने ऐसे लिया था, हम मस्जिदों को पैसा दूसरे तरह से दे रहे, तो क्या गरीब मंदिरों को पैसा देने का प्रावधान आपने बनाया है? अब मंदिरों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नो डाउट। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कि आर्टिकल 25 की, 25 या 30, तो सेक्शन 92 इन्होंने चेंज किया, चलो पावर आपने बोर्ड को दे दी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमको देता है, आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 के क्लॉज ए, मैं फिर से कहता हूं, आर्टिकल 25 का सब आर्टिकल 2 का क्लॉज ए ये कहता है, और यही बेस है सरकारों के पीछे, जो बेस है वो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज ए और आर्टिकल 31 कैपिटल ए। ये शायद मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आर्टिकल 30 कैपिटल ए हो भी, और ये भी हो सकता है कि आर्टिकल 31 कैपिटल ए को ही कोई भूलवश 30 कैपिटल ए कह गया हो। तो आर्टिकल 31 कैपिटल ए, ये दो आर्टिकल्स हैं जिसमें सरकार को कुछ पावर्स हैं। आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज ए ये कहता है कि जो फाइनेंशियल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मंदिरों पर इस तरह की, सॉरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर जो सोशल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल
लॉज रेगुलेट करने के बनाए गए हैं, वो आर्टिकल 13 में कुछ भी होते हुए भी, इस एक्ट में कुछ भी होते हुए भी, आर्टिकल 13 का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। और वो एक्ट लागू रहेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिकल 25 ने ये चूंकि अनुमति दे दी इसलिए ये एक्ट लागू रहेंगे। लेकिन इन एक्टों में उस जो जो सब आर्टिकल ए है, सब सेक्शन क्लॉज ए है, क्लॉज ए ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इस पर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल हो सकता है। उसने कहा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए उनके फाइनेंशियल, सोशल और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या इकोनॉमिक मैटर्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉज बने हुए हैं वो जीवित रहेंगे, और अगर लॉ बनाए भी जाएंगे तो वो भी वैलिड माने जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस तरह का कोई फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होगा, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को इस तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। कौन से इंस्टीट्यूशंस? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। उसने नहीं कहा कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हां, क्लॉज बी में जरूर कहा कि जो हिंदू रिलीजियस टेंपल्स हैं, किसी भी प्रकार के, जैन टेंपल हैं, बुद्ध टेंपल हैं, सिख टेंपल हैं, हिंदू टेंपल हैं, उन टेंपल्स में किसी को भी अस्पृश्यता के आधार पर या किसी ग्राउंड पर जाने से रोका नहीं जाएगा। दैट इज अ गुड थिंग, होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी मंदिर में, भगवान के दरबार में किसी को जाने से कैसे रोका जा सकता है सिर्फ आधार पर कि उसकी कास्ट क्या, उसका रिलीजन क्या। लेकिन इसमें उसने हिंदू शब्द इस्तेमाल किया, भाई फिर क्रिश्चियन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जबकि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट को अगर पढ़ेंगे, उस समय का आर्टिकल 19 होता था ये आर्टिकल 25, उसमें केटी शाह ने लगातार कहा और उन्होंने प्रेशर बनाया कि भाई इसमें केवल हिंदू शब्द नहीं आना चाहिए, इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम भी आना चाहिए, नहीं माना गया। तो वो मैं मानता हूं कि हिंदू मंदिरों में जाने की एंट्री तो अच्छा किया, लेकिन क्रिश्चियन चर्चों में सब जगह जाना और मदरसों में सब जगह जाना और मस्जिदों में सब जगह जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई भाई? तो वो क्या है, कॉन्फिस्केट करके आतंकवाद पैदा करेंगे, और हमारे मंदिरों के हर एक स्थान पर, हर कोने पर किसी को भी जाने से मनाई नहीं की जा सकती, ऐसा आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज बी में कहा। लेकिन क्लॉज ए ने यह कहा कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां हिंदू और मुसलमान नहीं कहा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉ स्टेट बनाना चाहता है वो बना सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं होता। दैट इज अ गुड थिंग। अब आर्टिकल 31 कैपिटल ए, आर्टिकल 31 कैपिटल ए कहीं से भी, चूंकि ये सारी कार्रवाई जो चल रही है वो आर्टिकल 31 कैपिटल ए में चल रही है, आर्टिकल 31 कैपिटल ए कहीं से भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं करता कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कॉन्फिस्केट कर सकती है या उसका रेगुलेशन अपने हाथ में लिया जा सकता है। आर्टिकल 31 कैपिटल ए ये कहता है कि कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इररेगुलर होता है तो अस्थायी रूप से सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को यह शक्ति होती है कि वो उसको अपने रेगुलेशन में ले ले, अस्थायी रूप से अपने रेगुलेशन में ले ले, उसके फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट को रेगुलेट करे। तो उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जब आपने आर्टिकल 25 में पावर दे दी, जब आपने आर्टिकल 25 टू 30 में रिलीजियस मैटर्स को सेपरेट और सेल्फ डील करने की पावर दे दी, तो आर्टिकल 31 कैपिटल जो एक्सेप्शन या सेविंग है फंडामेंटल राइट्स का, उस सेविंग में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैसे आ जाएंगे? आर्टिकल 31 कैपिटल ए की हालांकि कोई चैलेंज करे तो वो अलग बात है, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बहुत पहले कई बार कई केसेस में आ चुकी है। मिनर्वा मिल के केस में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आ चुकी है, बड़े स्तर पर डील हो चुकी है। वामन राव के केस में बड़े स्तर पर, बड़ी बेंचों के द्वारा डील हो चुकी है, और आईआर कोयलो के मामले में वो डील हो चुकी है। इसलिए 11 जजों की बेंच जब डिसाइड कर चुकी है आर्टिकल 35 कैपिटल ए इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन वो सारे मैटर्स कॉर्पोरेट सेक्टर के थे, वो रिलीजियस मैटर नहीं थे। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कब्जा करने का सरकार को किसने शक्ति दे दी? और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बना दिया आपने, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, इसमें सेक्युलरिज्म कहां है? और आपने अगर उसको पैसा ले भी लिया था तो पैसा लेने के बाद मस्जिदों को आपने ट्रांसफर किया, आप चर्चों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं जिसमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस देश को अपना देश नहीं मानते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बड़ी आबादी है, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, तो फिर कैसे इसको माना जाएगा?
अब एक बहुत बड़ा विषय रहता है, देश में एक बड़ी आबादी ये कहती है कि मंदिरों के पास इतना पैसा है, उनको इस समय क्यों नहीं निकालना चाहिए, वो पैसा इस समय जनता के लिए खर्च होना चाहिए, उनके पास खजाने भरे पड़े हैं, जनता के लिए खर्च होने चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, लोग डिमांड ठीक करते हैं, लेकिन इसका तरीका क्या हो? इसका तरीका यह हो कि हिंदू मंदिरों का पैसा इकट्ठा करने के बाद उसको मस्जिदों में ट्रांसफर कर दिया जाए, या उसका तरीका यह हो कि हम हॉस्पिटल्स में लगाएं। अब इसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी केंद्र सरकार ने बना रखी है। एक केंद्र सरकार ने कंपनीज लॉ एक्ट में एक कानून बनाया, सीएसआर फंड, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, सीएसआर फंड। कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत सारी कंपनियों को 1%, वो मैं परसेंट नहीं बता पा रहा हूं, 2% है शायद, जो उनकी इनकम है उसका 1% आपको ऐसे एनजीओ को या संस्थाओं को देना पड़ता है जो देश में देश सोशल जो सोशली काम कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड लेबर पर काम कर रहे हैं, वीमेंस एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में काम कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपकी इनकम का 1% देना होगा। किसको देंगे ये आप तय करिए। दोनों के ऑडिट शीट होनी चाहिए, यानी कि कंपनी अपनी ऑडिट शीट में बताएगी किसको दिया और उसने क्या आपको रिपोर्ट दी, और जो एनजीओ लेकर जाएगी वो अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी देगी, अगर रिपोर्ट नहीं देगी तो वो एनजीओ को शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा और वो एनजीओ बंद कर दी जाएगी। ये सीएसआर फंड होता है। आज भी केंद्र सरकार ने कोविड-19 में जब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड मांगा, या पीएम केयर्स फंड जिसको कहा गया, पीएम केयर फंड में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लेरिफाई किया कि जो कंपनियां इसमें पैसा दे रही हैं वो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर होंगी, यानी कि सीएसआर फंड में कवर होंगी। जो कंपनियां सीएसआर में एनजीओ को पैसा देती थी, वो पैसा अगर वो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में देंगी तो वो सीएसआर के तहत आएंगी, लेकिन वो जो सीएम रिलीफ फंड में देंगी तो सीएम रिलीफ फंड में वो सीएसआर में नहीं आएंगी। वो कंपनियों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और किसको देना चाहते हैं, लेकिन जो पीएम केयर्स फंड को देंगे वो सीएसआर में आएंगे। क्या हम हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते कि हर एक मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सोशल वेलफेयर, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो हॉस्पिटल्स खोलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, वो धर्मशालाएं खोलेंगे, वो खैराती दवाखाने खोलेंगे, वो लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, सस्ते रेट में वो भोजनालय खोलेंगे, फ्री के भोजनालय खोलेंगे। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जब कंपनियां, क्या मंदिर हमारे कंपनियों से भी गए बीते हो गए? क्या कंपनियां को, कंपनियों के पैसे आप नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कंपनियों पर आपका जोर नहीं चलता, लेकिन आपका मंदिरों पर जोर चलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिरों का पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च नहीं हो सकता, लेकिन मंदिरों का पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए किस मद में किस तरह से खर्च होगा उसका रेगुलेशन बनाइए। आप सरकार उसका पैसा पूरा ले ले और सरकार उस पैसे को मस्जिदों में माइनॉरिटी के नाम से ट्रांसफर कर दे, माइनॉरिटी वेलफेयर फंड बना दे और माइनॉरिटी वेलफेयर फंड बनाकर उनको दे दे, इसकी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं कहती। और आर्टिकल 31 कैपिटल ए के तहत जो ये सारे काम आप करते हैं उसमें कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तो कवर ही नहीं किए उन्होंने, उन्होंने तो कॉर्पोरेट सेक्टर कवर किया है, उन्होंने एनजीओस कवर किए हैं, लेकिन उन्होंने और वो भी कवर किए हैं फॉर द रेगुलेशन। ऐसा नहीं कब्जा करके पैसा ले लेंगे, फॉर द रेगुलेशन। जिस दिन ट्रस्ट का रेगुलेशन ठीक हो जाएगा उस दिन वो ट्रस्ट को वापस दे देंगे। तो सीएसआर फंड की तरह आप फंड बना सकते हैं। अब एक बड़ी समस्या है कि 36,000 मंदिर हैं तमिलनाडु में और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया मंदिरों के पास किसी के पास पैसा होगा किसी के पास नहीं होगा। क्या उन्होंने इसी फंड के तहत कोई ऐसा कानून बनाया है जिसमें यह कहा जाए कि जिन मंदिरों के पास पैसा नहीं इन मंदिरों का पैसा उन मंदिरों में जाएगा? क्योंकि मंदिरों पर हमला करना बहुत आसान है। क्यों ऐसा आसान है? क्योंकि एक पुजारी होता है, साफ सुथरे कपड़े पहने होता है, बड़ा सुख संपन्न व्यक्ति दिखता है, बड़ा उसका आभा मंडल खुश रहता है और खुशी हमें किसी की अच्छी नहीं लगती। ये स्वभाव बना लिया लोगों ने कि खुशी अच्छी नहीं लगती। उसके पास पैसा हो ना हो, वो जो पुजारी है उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन वो अगर खुश है तो बहुत गड़बड़ है, वो दुखी रहना चाहिए हमेशा।
रोते रहना चाहिए उसको। अगर रोते रहेगा तो वो भगवान का काम कैसे करेगा? रोते रहेगा तो लोग जो उसके दरबार में आते हैं, भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे वो बात करता है, उनको वो सोशल पावर कैसे देगा, उनको वो जो है वो एक स्ट्रेंथ कैसे देगा? क्योंकि मंदिरों में लोग निराशावश जाते हैं, हालांकि बड़ी संख्या ऐसी भी है जो मंदिरों में पूजा पाठ करने जाती है। क्यों? क्योंकि एक तुलसीदास जी ने कहा है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें, दुख सुख में करें ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे वो तो दुख काहे का होए। तो दुख में सुमिरन करने ज्यादा लोग जाते हैं, सुख में सुमिरन करने थोड़े कम लोग जाते हैं। जो दुख में सुमिरन करने मंदिर गया और वो दुखी है, उस दुखी व्यक्ति को वो पुजारी कैसे खुश कर सकता है, वो कैसे उसको हिम्मत बना सकता है अगर वो खुद ही दुखी रहेगा? इसलिए उसको ये ऐसा मेंटेन करना पड़ता है। अब पुजारी 1, 2, 3, 4, 5, 10 लोग होंगे, वो 10 लोगों की अपनी सैलरियां, अगर वो नौकरी करते तो उनको सैलरी मिलती कि नहीं मिलती? मंदिरों के मेंटेनेंस का पैसा, मंदिर में मेंटेनेंस के 100 कर्मचारी, 200 कर्मचारी, 500 कर्मचारी, उनका पैसा कौन देगा? मंदिर में जो पुजारी बैठा हुआ है, पुजारी का अपना परिवार है, अगर वो सामान्य तरह से नौकरी करे तो उसको 10-20-50 हजार रुपए महीने चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या उसको इन मंदिरों से 50 हजार रुपए महीने मिलते हैं? जो धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान को, हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, हिंदू समाज को स्टेबल करने के लिए, हिंदू समाज में आत्मविश्वास भरने के लिए उस मंदिर में दिन रात सेवा करता है। आप नौकरी भी करते हैं तो 10 से 6 करते हैं। एक पुजारी जो है सुबह 3 बजे उठता है और 3 बजे उठकर वो मंदिर की सफाई करना शुरू करता है, 4 बजे वो आरती करता है, फिर 8 बजे की आरती होती है, फिर 12 बजे मंदिर में शयन करवाता है, 3 बजे 4 बजे फिर खोलता है, फिर रात के 10-11 बजे तक मंदिर खोलकर बैठता है, और 11 से 3, 4 घंटे सोता है, दोपहर में 2 घंटे सोता है, 6 घंटे सोता है, 18 घंटे मंदिर में जॉब करता है। अगर उसको जॉब की दृष्टि से भी देखा जाए तो ऐसा पुजारी हिंदू समाज को उसमें आत्मविश्वास भरने के लिए भगवान की सेवा के नाम से, मैं कहता हूं भगवान अगर नहीं भी है तो भगवान की सेवा के नाम से हिंदू समाज को पुनः स्थापित करने के लिए बैठा हुआ है, उसको कुछ सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए देश में आंदोलन चलाए जाते हैं। क्यों आंदोलन चलाए जाते हैं? क्योंकि अगर इन पुजारियों पर हमला कर दिया जाएगा, मैं पुजारियों की कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पुजारी किसी भी कास्ट का हो सकता है, क्योंकि भारत में सन्यासियों की, साधुओं की कोई कास्ट नहीं होती। बाबा रामदेव की कास्ट आपको नहीं पता होगा, अगर जिनको पता भी है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ। ऐसे हमारे यहां 22 लाख से 25 लाख साधु हैं, जिसमें से ब्राह्मणों की आबादी उन साधुओं में 1 से 2 या 3%, 5% होगी। 95% अदर कास्ट के हैं जिनकी कोई अपनी कास्टिज्म नहीं है। इसलिए मैं उन पुजारियों की जब बात कर रहा हूं तो ब्राह्मण पुजारी है या कौन सा पुजारी है उसकी बात नहीं, मैं पुजारी की बात कर रहा हूं, मंदिर का पुजारी बैठा हुआ है, उस पुजारी को परिवार भरण पोषण के लिए कुछ काम, उस कुछ सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उस पर हमला इसलिए किया जाता है कि वो जब निराश होगा ना, वो जब अपने पद से बच्चुत होगा तो इन मंदिरों में लोगों का आना बंद हो जाएगा, इनकी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, और इनकी व्यवस्था अगर समाप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हिंदुइज्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हिंदुइज्म को जिंदा रखने का एक बड़ा साधन जो है वो भारत के मंदिर है, और मंदिरों में ये पुजारी है। पुजारी कुछ भी करता हो लेकिन मंदिर को साफ सुथरा रखता है, मैनेजमेंट बनाकर रखता है, पंक्ति लगवाता है, प्रसाद बांटता है, पूजा करता है, पूजा करने का वो करता है। दिल्ली में आप चले आइए, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने घरों में बनाए हुए मंदिरों के सुबह और शाम पूजा और आरती करने के लिए कुछ लोगों को हायर करती है और 50-50 हजार रुपए देती है, सिर्फ 50 हजार रुपए, 20 हजार रुपए। ट्यूशन टाइप की है कि कोई 5 हजार लेता है, 10 हजार लेता है, ऐसे कि आप आइए और हमारे घर में पूजा करिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हम पूजा कर सकें। अब इस मंदिर में बैठा पुजारी जो पूरा परिवार उसका, उसके बच्चे, वो स्वयं, उसके जो 2, 4, 5 लोग और हैं, उसके बंधु बांधव हैं, वो पूरा परिवार वहां पर काम करता है, क्या वो 1-2 लाख रुपए महीने के सारे मिलकर अधिकारी नहीं है? इसलिए मंदिरों पर हमले होते हैं। इसको सोचकर जरा देखिए, मंदिरों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सोशल वेलफेयर में लगना चाहिए, लेकिन कैसे? क्या सरकारें उस पर रेगुलेशन बना सकती हैं? क्या आर्टिकल 31 कैपिटल A में ऐसे प्रावधान दिया गया कि सरकार मंदिरों को कब्जा कर ले? क्या आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज A में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कब्जा करके मंदिरों का पैसा ले ले?
हमारे देश में हम जानते हैं कि एक बड़ी आबादी मंदिरों के, अगर आप हरिद्वार चले जाएंगे, कानपुर में बिठूर चले जाएंगे, नीमसार चले जाएंगे, या आप बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल्स खोल रखे हैं, जिन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज खोल रखी हैं, जिन्होंने अस्पताल खोल रखे हैं, जिन्होंने खैराती दवाखाने खोल रखे हैं, जिन्होंने धर्मशालाएं खोल रखी हैं। वो नियम आप सब पर लागू कर दीजिए। अगर आपके पास सरप्लस फंड है, सबके ट्रस्टें बनाइए, ट्रस्टों में सबकी सैलरीज बांधिए, उस सैलरी में आप चाहें तो उन पुजारियों को चेंज करने की व्यवस्था करिए, अगर वो मिसमैनेजमेंट बात है, सब कुछ कर दी करिए, ये देश हित में है। और वो सब जगह होना चाहिए। मैं ऐसा मानने वाला हूं कि हर एक रिलीजियस प्लेस पर, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, हर एक ऐसे स्थान पर जो रिलीजियस स्थान है उस पर ऐसी ट्रस्ट होनी चाहिए। और ये जो कुछ पुजारियों के द्वारा या कुछ जो पंडे उस पर बैठे हुए हैं, इनके द्वारा जो मिसमैनेजमेंट फैलाया जा रहा है, लूट खसोट पड़ी हुई है वृंदावन में या कहीं भी, वो सब दूर होनी चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूं, लेकिन उसका पैसा मस्जिदों में जाएगा, उसका पैसा चर्चों में जाएगा, उसका पैसा ये जो चर्च लॉबी ने अपने यहां एडॉप्शन सेंटर खोल रखे हैं, या जो उन्होंने अनाथालय खोल रखे हैं, जहां वो अनाथालय में काम कम और कन्वर्ट ज्यादा करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भारत सरकार का पैसा जाएगा, देश का पैसा जाएगा, तो मुझे बड़ा कष्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी चेक होनी चाहिए। और एक और बात है कि आर्टिकल 31 कैपिटल ए या आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज ए में पावर स्टेट को दे रखी है। भैया, कंपनी नेशनल इश्यू है क्या? टेंपल नेशनल इश्यू नहीं है क्या? भारत सरकार के टेंपल नेशनल इश्यू नहीं है? और मजे की बात यह है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, भारत में अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को पावर दी जाए, तो मस्जिद ऊपर से बना दी मीर बाकी ने अयोध्या में, उसके लिए हमको केस लड़ना पड़ता है यहां से वहां तक, सरकार उसको डील नहीं कर सकती, लेकिन जो धन आएगा उसको डील करेगी, उस पैसे को लेगी। मथुरा में मंदिर के ऊपर, भगवान के गर्भगृह के ऊपर, भगवान के जन्म स्थान के ऊपर मस्जिद बना दी, उसको सरकार नहीं डील करेगी, उसके लिए कानून नहीं लाएगी। लेकिन अगर उसमें चढ़ावा आएगा, उसके मैनेजमेंट, उसको पैसा लेने के लिए वहां से लेकर मस्जिदों को देगी। बनारस में अगर बाबा विश्वनाथ के ओरिजिनल स्थान को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी जाएगी और बाबा को दूर बैठना पड़ेगा, पुनर्निर्माण हमको मंदिर का करना पड़ेगा, जो सिद्ध स्थान है जहां भगवान शिव, भगवान राम ने भी पूजा की, तो ऐसे स्थान पर आप उस ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए कानून नहीं बनाएंगे। आप कानून बनाएंगे तो जो एस्टैब्लिश्ड मंदिर हैं, जहां पर व्यवस्था ठीक चल रही है, जिनकी ट्रस्टें हैं, उन ट्रस्टों के पैसे को सीधा लेकर आप मस्जिदों को दान करेंगे। एक और बात है कि कल जो मैंने विषय उठाया था, कल परसों मैंने जो विषय उठाया था आपका झारखंड का, वो एक आंदोलन के रूप में देश में आ गया है। मैं धन्यवाद देता हूं एबीपी न्यूज, कल रात को उन्होंने उस पूरे विषय पर एक घंटी बजाओ प्रोग्राम चलाया, पूरा फुल शो चलाया, देश में जागरूकता फैलाई। हम ये विषय उठाते हैं इसलिए क्योंकि देश में जन आंदोलन, आर्टिकल 35 कैपिटल ए भी हमने उठाया, केस तो फाइल हुए 2014 में, हमने उसका आंदोलन 2008 में उठाया था। देश में एक जन आंदोलन बना, आम आदमी ने उस पर सोचना शुरू किया, आर्टिकल 35 कैपिटल ए कटघरे में खड़ा हुआ, कटघरे में खड़ा होने के बाद उसको हटाना पड़ा। आर्टिकल 31 कैपिटल ए भी आज कटघरे में खड़ा है, आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज ए भी आज कटघरे में खड़ा है। और ये रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट, जो हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है, क्या ये रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट नहीं हो सकते क्या? हिंदू शब्द इसमें से हटाया जाए, सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जो भी हैं, जो जो मदरसे बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, चर्चों के एडॉप्शन सेंटर बने हुए हैं, रिलीजियस अनाथालय बने हुए हैं, इन सबको आप रिलीजियस एक्ट के तहत ला सकते हैं। भारत में रिलीजन होगा तो आप जो पालन करते हैं वो करिए, लेकिन रेगुलेशन हमारा होगा, उस पर कभी भी हमको कब्जा करने का अधिकार होगा, अगर आपका मिसमैनेजमेंट उसमें होता है, अगर उसमें राष्ट्र की मोरलिटी, क्योंकि आर्टिकल 25 जब शुरू होता है तो सब्जेक्ट टू द मोरलिटी इन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कोई भी रिलीजियस राइट आपको तब तक ही दिया गया है जब तक कि आपको रिलीजियस इंटीग्रिटी है, जब तक आप द मोरलिटी ऑफ इंडिया इज कवर्ड। सो आई एम चैलेंजिंग दिस एक्ट, होली आई एम चैलेंजिंग दिस एक्ट, आई एम चैलेंजिंग दिस एक्टिविटी ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट, और एनी गवर्नमेंट इज डूइंग लाइक दिस, देन आई एम चैलेंजिंग ऑल दीज गवर्नमेंट्स।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट हैव टू डू द वर्क ओनली व्हेन द पब्लिक विल कम ऑन रोड, पब्लिक विल इंडोर्स देम। जब जनता उनको इंडोर्स करती है, जनता उनसे कहना शुरू करती है कि आपने ये गलत किया और आप हमारे मंदिरों पर ऐसा कैसे कर सकते हो, मंदिरों का रेगुलेशन, मंदिरों पर खर्च होना चाहिए, अगर खर्च होना है तो वो हिंदुओं पर खर्च होना चाहिए, जिस रिलीजन का पैसा उसी रिलीजन पर खर्च होना चाहिए, ऐसे कुछ नियम बनाने के लिए सरकारों को बाध्य किया जा सकता है और वो करेंगे। और अपने अपने स्थानों पर, तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर वो कर्नाटक में होता तो कर्नाटक हाई कोर्ट, सभी अपने अपने हाई कोर्टों में इस पर रिट्स डाल सकते हैं। और केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि आप पूरे देश के लिए एक रिलीजियस, मैं हिंदू नहीं कह रहा हूं, मुसलमान नहीं कह रहा हूं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट और उसका बोर्ड बनाइए। ये वक्फ बोर्ड, ये सब दुनिया भर के जो उल्टे सीधे बोर्ड बना रखे हैं, इनको सबको खत्म करिए। देयर मस्ट बी ओनली वन रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट जिसमें सब को एक सा डील किया जाएगा, चाहे वो हिंदू मंदिर हो, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे वो अनाथालय हो, चाहे वो गौश वो सॉरी चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे वो चर्च हो, सबको एक सा डील किया जाएगा, एक नियम के तहत लाया जाएगा। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे तो आप हिंदू समाज को बचाने का कर लेंगे। ये काम आर्टिकल 35 कैपिटल ए आजादी के तुरंत बाद बना था और इसको बाद में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 कैपिटल ए हमको नहीं मिलता। और आर्टिकल 31 कैपिटल ए कहता भी नहीं है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे, वो इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें आता है, उसमें मंदिर नहीं आते। मंदिरों के लिए तो आर्टिकल 25 से 28 तक का रिलीजियस वो दिया हुआ है और सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो कैसे आप अनसेक्युलर काम कर सकते हैं? सो आई एम रिक्वेस्टिंग, मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम देश को आगाह करें, लोगों के बीच में ये विषय ले जाएं, तभी हम इस पर पार पा सकते हैं। कल फिर 2 बजे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।